पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा सन गॉड एक साथ से पृथ्वी पर आ जाता है और वो फ्रैंकलिन को धमकी देता है कि अगर उसने उसके कुछ टास्क कंप्लीट नहीं किए तो वो पूरी धरती को तबाह कर देगा। उसका पहला टास्क होता है कि वो रेड लावा टाइटन के घर को जलाए और हमारा फ्रैंकलिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से रेड लावा टाइटन के घर को पूरी स्ट्रेटजी के साथ जला देता है, लेकिन वो मरने से बार बार बचता है। और साथ साथ में उसका दूसरा टास्क होता है कि वो स्टार्क मैंसन से एक सोने का अंडा चुरा कर लावा गॉड से को दे, जिससे कि वो अपने आप को टू हेडेड लावा गॉड बना ले। जब फ्रैंकलिन उस अंडे को वापस कराता है तो लावा गॉड सच में टू हेडेड बन जाता है। उसका लास्ट टास्क होता है आइस गॉड के बेटे को किडनैप करके लावा गॉड को देना, और फ्रैंकलिन ये लास्ट टास्क भी कंप्लीट कर देता है। इस वजह से लावा गॉड उसको दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बना देता है। और अब आगे गाइस, सबसे 3 दिन पहले तक मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी था और फिर से मैं गरीब होने जा रहा हूं। देखिए मेरा सारा सोना खत्म होने वाला है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं इतनी जल्दी बर्बाद कैसे हो गया। मैंने तो बस 300-400 घर खरीदे और 400-500 गाड़ियां उसी बर्बाद हो गया, वो भी गाइस चोरी हो गई। लेकिन एक मिनट, ये बातों में लावा गॉड कहां से आ गया? अरे बात सुनो फ्रैंकलिन। अरे भाई अब क्या मुसीबत आई? पिछली बार गाइस आपको याद है ना, इसने मुझसे क्या-क्या काम करवाए थे। मुझे नहीं करने तेरे काम, जान से मार दूंगा। एक मिनट, याद आया, तेरे तो 2 सर हुआ करते थे, एक सर कहां से हो गया फिर से? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लावा गॉड ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन हुआ क्या? तुझे रिकैप में लेकर चलता हूँ। एक मिनट गाइस, ये तो सिंचन है। यही छोटे से बच्चे को मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ये बच्चे के पास कुछ ऐसी अंदरूनी शक्तियां थी जिसका इस्तेमाल करके इस बच्चे ने एक बॉम्ब बनाया। क्या बॉम्ब बनाया? फिर उसके बाद क्या हुआ? वो बच्चा रुका नहीं, उसने मुझे बताया कि लावा गॉड ने उससे वादा किया है, अगर वो मेरा एक सर गायब कर देगा तो लावा गॉड उसको दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देगा। तभी मैं इतना गरीब हो गया हूँ, मेरी गाड़ियां गायब हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा, दुनिया में कोई एक इंसान ही सबसे अमीर रह सकता है, और उस छोटे से सिंचन बच्चे ने चालाकी से उस बॉम्ब को मेरे मुंह के अंदर रख दिया। मैं कहने को तो सन गॉड कहलाया जाता हूं, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने मुझे बर्बाद कर दिया। ओह माय गॉड गाइस, ये सिंचन कितना बुरा है, कितना खतरनाक है, इसने सन गॉड के एक मुंह को पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया। अरे इतना ही नहीं, वो बच्चा एटीट्यूड भी दिखा रहा था, लेकिन मैंने भी कसम खा ली है सिंचन को खत्म कर दूंगा मैं। तुम चिंता मत करो, सिंचन को मैं देख लूंगा। उसके बाद क्या हुआ? उसने मेरे पूरे के पूरे बॉडी पार्ट को ही धरती की जमीन नीचे घुसा दिया। ओह माय गॉड गाइस, ये सिंचन बड़ा डेंजर से देख रहे हो इसको। अरे बाप रे, सिंचन से पंगा लेना मतलब जान से मर जाना। बकवास बंद कर फ्रैंकलिन, मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तूने इस बार मेरे फिर से नए टास्क पूरे कर दिए तो मैं तुझे अगेन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा, और तूने मेरी शर्तें कबूल नहीं की तो मैं धरती पर सूरज उतार दूंगा और धरती समा जाएगी उसके अंदर। लेकिन मुझे अंदर क्यों लेके जा रहा है? अंदर मेरे मुंह के एक पेपर मिलेगा तुझे, उसको। अरे गाइस ये क्या चल रहा है, मुझे डर लग रहा है दोस्तों, ये लावा गॉड और ये सन गॉड एक दूसरे की लड़ाई में मुझे और सिंचन को मरवा के छोड़ेंगे। पेपर में है क्या, पढ़ के देखूं? अरे पढ़ मूर्ख, कर क्या रहा है, चलो एक बार पढ़ के देख ही लेते हैं। स्टील रेड लावास टाइटन पावर, व्हाट? अरे भाई सिंचन ने भी यही किया था मेरे साथ। दूसरा स्टील ग्रीन टाइटन ग्रीन सीरम, उससे क्या होगा? मैं 3-हेडेड बन जाऊंगा। ओह डिस्ट्रॉय आइस गॉड सेकंड हेड, व्हाट? और ये क्या है लास्ट वाला? लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अपने भाई फ्रैंकलिन के लिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, यही मौका है दोस्तों, नहीं तो आपका भाई फ्रैंकलिन जिंदा नहीं बचेगा। साथ साथ में कमेंट में 80 गेमर ओपी लिखो, जितना हो सके 80 गेमर को प्यार दो गाइस, आप सभी की नीड है यहां पर मुझे। चल अब जल्दी फ्रैंकलिन अपने टास्क पूरे कर, हर एक टास्क पूरा होने पर तुझे रिवॉर्ड मिलेगा। पहले टास्क पर तुझे वादे के मुताबिक मिलेंगे $10 मिलियन। क्या एक टास्क पे $10 मिलियन? मैं एक्साइटेड हूं, पहले टास्क पे इतना पैसा तो दूसरे टास्क पे क्या मिलेगा और तीसरे पे क्या मिलेगा। ऑलराइट दोस्तों, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, मैं यहाँ पर कैसे उस रेड लावा टाइटन की पावर चुराऊंगा? उसकी चिंता मत कर, तू कर लेगा फ्रैंकलिन। ये क्या गाइस, इसने तो देने के चक्कर में कपड़े भी छीन लिए। मैंने कपड़े इसलिए छीने जिससे कि दुनिया वालों को तू गरीब लगे, लोग तुझ पे दया खाएंगे। ऐसा? ओके 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 गाइस, चलो अब जल्दी जल्दी चलते हैं। गाइस मुझे लगता है जो सन गॉड है वो मुझे सुन सकता है, और गाइस देखिए ये रहा सिंचन, यही बच्चा है वो, इसी को मारना तुझे। मैं तो बहुत अमीर हो गया,
मेरे पास पैसे ही पैसे हो गए। फ्रैंकलिन भैया ने बहुत गलत किया था कि अमीर हो गए। इसका मतलब इसको पता था मैं अमीर हो गया, मैं तो उससे छुपाई थी ये बात। और गाइस ये रहा लावा गॉड, ओ माय गॉड लावा गॉड, ओ माय गॉड ये रही गाइस, ये कोई इसकी बॉडी का पार्ट लगता है। अगर मैं इसको चुरा लूं तो यहां पर गाइस लावा गॉड बुरी तरह से हार सकता है और सन गॉड खुश हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, अब भी मुझे यहां पर किसी भी हालत में इस लावा गॉड के ऊपर चढ़नी होगी। दोस्तों आप किसको सपोर्ट करते हैं, सिंचेन को या मुझे, जरा कमेंट में लिखकर बताओ। अच्छा जी ऐसी बात है क्या, दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, फ्रैंकलिन भैया चोर हैं आप सभी जानते हैं। सिंचेन ओपी लिखो, सिंचेन ओपी। नहीं गाइस आप फ्रैंकलिन ओपी लिखो। चुप करो, हटो यहां से। ये कैसी पावर है? अरे बाप रे, आपको इतना भी नहीं पता, लावा गॉड मुझसे टास्क करवाता है, उसके चक्कर में ना उसने मुझे पावर दी। अरे बाप रे गाइस, सिंचेन मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई मुझे माफ कर दे। देखा मतलब मैं छोटे भाई को बड़े भाई बोल रहे हो, मैं सब समझता हूँ, आ मत जाना वापस यहाँ पर। अरे गाइस इसको शायद सिंचेन को पता भी नहीं है, अगर मैंने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो सन गॉड पूरी पृथ्वी को खत्म करने की बात कर रहा है। अब क्या करूँ क्या करूँ, ये लावा गॉड भी तो गाइस यहाँ पर सिंचेन का साथ दे रहा है। आइडिया गाइस, हम ना यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, इस पर चढ़ चढ़ के जा सकते हैं एकदम लावा गॉड के टॉप पर। ओके गाइस, अभी ना मुझे इस पेड़ पर जाना पड़ेगा, बस सिंचेन की नजर ना पड़ जाए दोस्तों, वरना मैं तो मर जाऊंगा। ऑलराइट धीरे धीरे जाता हूँ, कमॉन 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 कमॉन, मैं कर सकता हूँ। बाप रे फाइनली गाइस, अरे बाप रे एक मिनट, ये बहुत गर्म है, मेरे जूते जल रहे हैं। पहले जूते जल रहे थे, पूरा शरीर जल रहा है। चलो जल्दी जल्दी जाता हूँ, मैं फाइनली पहुंचने वाला उस पत्थर पे। नहीं मुझे गिरना नहीं है, नो प्लीज नो 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 गाइस। अरे बाप रे ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, तो गॉड प्लीज। अरे भाई ये सन गॉड के साथ डील करके गाइस मैं फंस गया, बहुत हो गया दोस्तों, इस बार जलूं या मरूं, मैं इसकी पावर छीन के लेके जाऊंगा। ये ले, अरे मेरी पावर छीन के ले जा रहा है वो, जल्दी जल्दी जाता हूं। सिंचेन उसको पकड़। अरे अभी पकड़ता हूं, फ्रैंकलिन भैया कहां है? गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं, मेरे पास स्पाइडरमैन के कुछ गैजेट थे उसके चक्कर में। ये ले सन गॉड, मैं यहां पर लावा गॉड की पावर चुरा लाया। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, इनको मेरे पास ले और दूर हट जा खुद। ऐसा क्या करे गाइस अब ये लावा गॉड इससे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। अरे मैं लावा गॉड नहीं हूँ, मैं सन गॉड हूँ बेवकूफ। सॉरी आप लोग मुझे एक जैसी लगते हो, बकवास बंद कर, देख मुझे। हा? ये तो वापस से अगेन टू हेडेड सन गॉड बन चुका है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे थ्री हेडेड बनना है। दूसरा टास्क कंप्लीट कर, पहले टास्क का रिवॉर्ड वो मिल चुका है तुझे। अरे हाँ गाइस मेरे अकाउंट में 10 मिलियन डॉलर आ गए, याहू। गाइस एक मिनट, ये कैसी गन है? इस गन को सुपर सीरम की जरूरत है, जा ग्रीन पॉइजन टाइटन का सुपर सीरम चुरा ला, फिर उसके बाद इस गन का मुझ पर इस्तेमाल करना, फिर मेरे थ्री हेड हो जाएंगे, सन गॉड सबसे ताकतवर टाइटन बनेगा। समझ गया गाइस, इस वाली गन में मुझे सुपर सीरम भरना है, वो भी ग्रीन पॉइजन टाइटन का। उसकी लोकेशन कहां पर है? अरे वो रहा गाइस, देखिए वहां पे ग्रीन ग्रीन मुझे कुछ दिख रहा है। आप सभी को अगर कुछ दिख रहा है तो कमेंट में यस लिखो, बाकी तो हमको तैर के जाना पड़ेगा। गाइस ये ग्रीन पॉइजन टाइटन, ये तो आइस गॉड की तरह पानी में रहता है, ये तो पानी में भी नहीं किसी तरह के तालाब में, पूरी स्पीड में जाऊंगा मैं। फाइनली हम पहुंच गए, इसका मुंह कहां पर है? अरे ये क्या गाइस, मैं इसका पॉइजन इसके मुंह में से ले सकता हूं, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी वैसे पूरी की पूरी ग्रीन है, लेकिन पॉइजन मुझे इसके दांतों से ही मिलेगा। तो गाइस अरे बाप रे कितना खतरनाक है, ए चला जा यहां से। अरे बाप रे ये कितना टेरिफाइंग है, ओ माय गॉड, इससे पहले कि ये मुझे मारे तुझे दांतों में दबा लूंगा। बच गया गाइस, ऑलराइट मैं इसके अंदर आ चुका हूं, अब मुझे जल्दी से गन निकालनी है। और बाप रे इसके मुंह के अंदर तो मिट्टी भी है, कमॉन 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 सुपर, निकल जा यहां से कीड़े। अरे भाई कितना बुरा मार रहा है। अरे गाइस ये तो बहुत खतरनाक है, भाग यहां से, तू मेरा सुपर सीरम नहीं चुरा सकता, भाग। जा रहा हूं गाइस, जल्दी निकलता हूं यहां से। ओ माय गॉड, अरे जल्दी निकलता हूं। अरे ये सन गॉड कहां पर है? सन गॉड। अरे गाइस सन गॉड तो बोल ही नहीं रहा है, गाइस कमेंट में एक बार सन गॉड हेल्प लिखिए, क्या पता सन गॉड मेरी सुन ले। प्लीज गाइस सन गॉड लिख लो ना जल्दी से। क्या बात है, एक मिनट ये क्या, कहां से बोल रहा है? मैं तुझे सुन सकता हूं और मैंने तुझे इनविजिबल कर दिया है, अब सिर्फ बच्चे और तू अपने आप को देख सकता है, बाकी कोई और नहीं। गाइस क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं तो हां लिखिए या फिर यस फ्रैंकली लिखिए, मैं भी तो देखूं। वैसे मैं तो खुद को देख पा रहा हूं पर थोड़ा मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, उम्मीद करता हूं ये ग्रीन पॉइजन टाइटन मुझे देख ना रहा हो। अरे मुझे ऐसा क्यों लगा मेरे मुंह के अंदर कुछ गया। ओह माय गॉड ये मुझे देख नहीं सकता लेकिन फील तो कर सकता है। गाइस
मेरी गन का है और ये बोरी पीछे की साइड। ऑलराइट दोस्तों, मैं यहाँ पर इस पूरी गन को फिल कर लूंगा इसके सारे पॉइजन से। ओके गाइस, हमारा काम हो चुका है। निकलो निकलो भाई, निकलो निकलो निकलो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में कोई है। कौन है? अरे भाई, वो मुझे देख नहीं पा रहा है। मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसका। अरे जल्दी भागो। यस गाइस, हमने यहाँ पर पॉइजन ले लिया, लेकिन मैं सक्सेस हुआ भी है नहीं, अभी तो मुझे पता भी नहीं है। चलो जाके चेक करते हैं पहले गन को। ओके गाइस, वो बाहर भी निकल आया गुस्से में तो। अरे वाह गाइस, देखिए ग्रीन ग्रीन है, इसका मतलब ये ग्रीन पॉइजन का टाइटन ही है, मतलब ये टाइटन का ग्रीन पॉइजन ही है। चलो गाइस, अब जल्दी जल्दी भागते हैं। ये ले भाई तेरा ये पॉइजन। क्या बात है! ओह माय गॉड गाइस, लिटरली में इसने मुझसे कहा था अगर मैं शूट करूंगा तो ये थ्री हेडेड बन जाएगा, और ये थ्री हेडेड टन गॉड बन चुका है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, ये ले तेरा गिफ्ट। क्या लिटरली में गाइस, ये तो एक लंबोर्गिनी है, साथ साथ में इतनी प्यारी कार बाइक। और माय गॉड गाइस, दूसरा टास्क कंप्लीट करने पे मुझे ये मिला, इसका मतलब गाइस सोचो जब मैं तीसरा टास्क कंप्लीट करूंगा तो क्या क्या मिलेगा। अब गाइस, हमें तीसरा टास्क कंप्लीट करने के लिए आइस गॉड के पास चलना पड़ेगा। आइस गॉड, ओके गाइस हम जल्दी जल्दी चलते हैं। ये रहा आइस गॉड। अरे बाप रे, ये तो टू हेडेड है। याद आया गाइस, हमारा टास्क था कि हमें आइस गॉड के एक सर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है, जिस तरह से सन गॉड के हेड को सिंचेन ने किया था, इस तरह से मुझे भी प्लानिंग के साथ करना होगा। मैं भी सिंचेन जितना स्मार्ट हूँ, मैं बर्बाद कर दूंगा, मेरे बेटे को सन गॉड ने मार दिया था। हाँ गाइस, ये तो है, सन गॉड ने इसके बेटे को मारा था एक गुस्से में। सन गॉड बर्बाद होगा, मर जाएगा वो। अरे भाई गाइस, ये रहे वो मिसाइल्स। ऑलराइट गाइस, इन मिसाइल का इस्तेमाल करके मैं सन गॉड के टास्क को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करना होगा आइस गॉड के मुंह को फाड़ने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, काम करते हैं, जल्दी से इन मिसाइल को लेते हैं और यहाँ पर इसके एक हेड पर चलते हैं। चलो 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 चलो, जल्दी 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 चलते जल्दी चलते। गाइस, इसका कौन सा वाला हेड हमें फोड़ना चाहिए, लेफ्ट या राइट? जरा कमेंट में बताओ, लेफ्ट या राइट। फिलहाल तो मैं राइट वाले पे जा रहा हूँ। गाइस राइट वाला सही है ना? अरे बाप रे गाइस, गुस्सा ना हो जाए कहीं। हे मेरे ऊपर क्या है ये? गाइस इसकी तो आवाज़ें भी बदल रही है गुस्से गुस्से में। मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। अरे बाप रे, ये क्या? गाइस वो मिसाइल फट गई है क्या? इससे कुछ हुआ भी है नहीं? अरे नहीं, ये आग कैसी लग गई? अरे नहीं गाइस, कुछ भी। भाग यहाँ से, तू मुझे मेरे ही बॉम्ब से फाड़ेगा बेवकूफ। अरे बाप रे गाइस, नहीं। ये क्या हो गया? सिंचेन ने तो बड़े कूल वे में सन गॉड का एक हेड फाड़ दिया था, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। एक मिनट, ये क्या हुआ? मैंने तुझे शक्तियां दी हैं मूर्ख, अब इन शक्तियों का इस्तेमाल कर। गाइस इसी शक्ति से तो मैंने आइस गॉड के बेटे को किडनैप किया था, और अब इसी शक्ति से मैं आइस गॉड के एक हेड को गायब करूंगा। और ये ले। अरे बाप रे, क्या कर रहा है फ्रैंकलिन? छोड़ मुझे, तुझे खत्म कर दूंगा मैं। और ये ले, याहू गाइस, हमने इसका एक हेड गायब कर दिया है। गाइस फाइनली मेरा टास्क पूरा हुआ। ना गाइस, वो जमीन के अंदर चला गया उसका एक हेड। चलो अब जल्दी से वापस चलते हैं। अरे बाप रे, इसने वापस से मेरी शक्तियां छीन ली। शुक्रिया तेरा फ्रैंकलिन, तूने तीनों टास्क अच्छे से कंप्लीट किए, बच्चों से तो करवा दे। बच्चों गाइस, अगर आपने चौथा टास्क पूरा नहीं किया, ये लो तेरा रिवॉर्ड। अरे वाह गाइस, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लेना, अब तो मजा ही आ गया। अब देखते हैं गाइस पार्ट 3 में क्या होगा, किस किस बच्चे को पार्ट 3 चाहिए, क्योंकि पार्ट 3 में ना यहाँ पर लावा गॉड, सन गॉड, आइस गॉड, मून गॉड, इन सबकी और लड़ाई होने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको पार्ट 3 स्पैम करना होगा कमेंट में। कम ऑन गाइस, पार्ट 3 लिख दो। थैंक यू सो मच।